self-destruct sequence has initiated. जो भी आप इस वीडियो में देखने वाले हो वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। अगर तुम अपने आर्टिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा बायस्ड हो और तुम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते तो कृपया करके इस वीडियो को ना देखो। और ये गाना स्पेशली वो सारे रिएक्शन चैनल्स के लिए था जो भी मेरे वीडियोस को देख के नो काफी जज करते थे कि फक देम ब्रो, मतलब फक रे लोग। लेकिन आरसीआर जो है वो ना ही उनकी मैनेजमेंट के साथ है और ना ही उनकी फैमिली के साथ है। Damn, if you try to create all the hate and debate, bitch, I'ma slap you in the face with my bachelor certificate. Welcome back. आज के एपिसोड में हम बहुत ही क्रेजी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। DHH rapper may be tricking us by playing excellent strategy move for promotion just before their song and album drop. Big labels like T-Series, Sony Music, Zee Music India are evil and they don't support hip-hop. In coming years, rap / hip-hop will become the biggest music genre in the world, not in the world as well as in India. And it will take over the pop music throughout the world and Bollywood music in India. We will discuss how hip-hop, Nepali hip-hop is far ahead of Desi hip-hop, I mean Indian hip-hop and Pakistani hip-hop combined, and we don't know about it. Starting with the first conspiracy theory, कैसे rappers अपने दिमाग का use करके बहुत ही tricky game खेलते हैं just before their song and the album drop. मैं यहाँ पे तीन example लेने वाला हूँ. First MUA Vantai, second MC Stan and third RCR. First talking about MUA Vantai. MUA Vantai का भी बहुत recently album drop हुआ है. Album का नाम है मालूम है ना. And the album is doing good. बहुत अच्छा numbers लेके आ रहा है. और I think iTunes पे और बहुत जगह पे number one पे भी है ये album. पर इस album के release होने से कुछ दिन पहले एक controversy हो गई थी. अगर तुम hip hop को follow करते हो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा जो था MUA Vantai और Reaction Channel के बीच. तो तुम्हें अगर पता होगा तो एल्बम रिलीज होने से पहले आर्टिस्ट अपने एल्बम का जो बेस्ट ट्रैक है या फिर वो ट्रैक जो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर सकता है एल्बम के लिए, सो एल्बम अच्छा परफॉर्म करे तो उसके लिए आर्टिस्ट म्यूजिक वीडियो ड्रॉप करते हैं। और यहाँ पे एमवी के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। मैंने अभी एल्बम के लगभग सारे सॉन्ग सुन लिए जिसका मैंने रिव्यू भी कर दिया है। तो मुझे सुन के लगा वाई एमवी वेंट फॉर है तू कौन। एल्बम में और भी इतने अच्छे ट्रैक है जैसे फ्री वर्स फीस 2 जो बहुत क्रेजी फ्लो के साथ है, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है रीमिक्स एंड फ्यू अदर ट्रैक जैसे बिलीव हो गया विच हैज ए वेरी न्यू साउंड एंड अदर ट्रैक। तो एमवी ने है तू कौन का म्यूजिक वीडियो क्यों रिलीज किया। देन आई रियलाइज व्हाट दिस वीडियो डिड। After listening the song, I realized कि MUA ने shots लिए थे उन लोगों के ऊपर जो MUA काम को पसंद नहीं करते हैं, जो MUA को metaphor और references के लिए criticize करते हैं कि MUA अपने गाने में metaphor और references use नहीं करते। Everything was going good, मुझे लगा हाँ ठीक है MUA took shots to the people, it was okay। पर उसके बाद कुछ हुआ that totally blowed my mind। MUA Instagram live पे आए और उन्होंने call किया कि this track is for Reaction Channel। यहाँ पे दो चीजें हो सकती थी। देखो इंडियन हिप हॉप सीन में रिएक्शन चैनल का बहुत बड़ा रोल है, रिएक्शन चैनल गाने को बहुत ज्यादा हाइप देते हैं। अगर तुम रिएक्शन चैनल के साथ ही पंगा ले लोगे तो दिस मे अफेक्ट योर एल्बम इन बैड वे। MUA ने ले लिया, MUA ने लाइव में बोला कि जो ट्रैक में मैं बातें बोल रहा था वो रिएक्शन चैनल के लिए था और मैं रिएक्शन चैनल को बोल रहा था, एंड दिस ट्रिगर्ड फ्यू रिएक्शन चैनल और उन्होंने MUA पे रिएक्शन करना बंद कर दिया। नाउ हियर इज द थ्योरी। थ्योरी ये है कि मे बी MUA ने जानबूझ के ये ट्रैक ड्रॉप किया, जानबूझ के इंस्टाग्राम लाइव किया और उसने जाके बोला कि मैंने ये शॉर्ट्स रिएक्शन चैनल पे लिया। और ऐसा हो कि वो गाना लिखने के समय सिर्फ रिएक्शन चैनल के ऊपर शॉर्ट ना हो, मे बी वो गाना अपने हीटर्स के लिए लिख रहे हो, पर MUA ने चाल चला, MUA प्लेड अ गेम या फिर उसकी टीम ने, मैनेजमेंट ने ये गेम खेला और डिसाइड किया कि अगर हम इंस्टाग्राम लाइव या फिर अगर हम ओपन में जाके ये बोलेंगे कि ये रिएक्शन चैनल के ऊपर शॉर्ट है तो हो सकता है रिएक्शन चैनल उनके एल्बम को हाइप दे दे या फिर जो हिप हॉप मीडिया पेजेस है वो MUA को हाइप दे दे, ये MUA की बातें वो डिस्प्ले करे और उसकी वजह से MUA का एल्बम का प्रमोशन हो। एंड आई डोंट नो इफ सेम थिंग हैपेंड बट
हाइप तो मिली है मीवे को, रिएक्शन फ्यू रिएक्शन चैनल गॉट ट्रिगर्ड, उन्होंने रिएक्शन करना बंद कर दिया मीवे के ट्रैक के ऊपर, मीडिया जो हिप हॉप मीडिया है उन्होंने इस न्यूज को कवर किया और इसकी वजह से मीवे वाज एवरीवेयर, रिएक्शन चैनल उसके बारे में बात कर रहे थे, रिएक्शन चैनल एक सेपरेट वीडियो बना रहे थे उस इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर रिएक्शन देके, और जितने भी हिप हॉप के मीडिया चैनल है वो इस न्यूज को कवर कर रहे थे। सो ओवरऑल अगर हम देखें, आई थिंक दिस वाज अ स्ट्रेटजी मेड बाय हिज टीम और एमीवे, एंड अगर तुम इसका रिजल्ट देखो, सी द नंबर्स व्हाट एल्बम इज डूइंग, इट इज नंबर वन इन आईट्यून्स राइट नाउ। रुक जाओ, अगर तुम यहाँ पे कमेंट करने वाले हो भाई तुम पूरे बात बकवास कर रहे हो, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दिस इज जस्ट ए कंस्पिरेसी थ्योरी एंड ये फैक्ट नहीं है, तो प्लीज ट्रिगर मत होना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एमसी स्टैन। मैंने एमसी स्टैन के बारे में एक चीज बहुत ज्यादा नोटिस किया है कि वो इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे बहुत कम एक्टिव होते हैं, बहुत लिमिटेड पोस्ट करते हैं, स्टोरीज बहुत लिमिटेड करते हैं और इंस्टाग्राम लाइव भी बहुत लिमिटेड करते हैं। पर उनकी इंस्टाग्राम लाइव की फ्रीक्वेंसी तब बढ़ जाती है जब उनका सॉन्ग आने वाला होता है या फिर उनका सॉन्ग आ गया होता है। एंड वन मोर थिंग आई हैव नोटिस कि कॉन्ट्रोवर्सीज एमसी स्टैन का पीछा नहीं छोड़ती है, या फिर वो फीमेल रैपर के साथ कॉन्ट्रोवर्सीज हो या स्क्रीनशॉट लीक होने की कॉन्ट्रोवर्सीज हो। और मैंने एक चीज और नोटिस की है कि कॉन्ट्रोवर्सीज भी तभी होती है जब उनका कोई गाना रिलीज होने वाला रहता है। तो दिस मे बी अ ट्रिक प्लेड बाई हिज मैनेजमेंट टीम और एमसी स्टैन कि वो इंस्टाग्राम लाइव पे आएंगे एंड ही विल डिस्कस समथिंग, वो न्यूज बनेगा एंड पीपल विल टॉक अबाउट एमसी स्टैन विच इंडीड विल इंक्रीज द नंबर ऑफ हिज ट्रैक। वन मोर थिंग, तुम लोगों ने बहुत होगा कि एमसी स्टैन के गाने लीक हो जाते हैं। स्नेक जब रिलीज हुआ था उसके एक रात पहले वो प्रीमियर पे लगाया गया था और एमसी स्टैन ने उस ट्रैक को प्रीमियर कर दिया था, वो ट्रैक प्रीमियर में पूरा एक बार प्ले हो चुका था, उसके बाद उसे प्राइवेट कर दिया गया। भाई एमसी स्टैन की फैन फॉलोइंग इतना ज्यादा है कि लोगों ने उसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया और वो पूरा का पूरा ट्रैक अपने अलग अलग चैनल से अपलोड करने लगे। सो दिस वाज काइंड ऑफ ए लीक्ड, कि उनका ट्रैक लीक्ड हो गया था। मुझे भी बहुत सारे मैसेज आए, भाई एमसी स्टैन का गाना लीक हो चुका है प्लीज देखो। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हें पता चले कि किसी आर्टिस्ट का ट्रैक लीक हो गया है तो तुम उसे चेक करोगे, या फिर तुम्हें पता चले कि एक आर्टिस्ट ने ट्रैक ड्रॉप किया है तुम उसे चेक करोगे? जब लीक्ड वर्ड जहां पे भी आता है वर्ड इतना पावरफुल है कि हम वहां पे बिना क्लिक करे नहीं रहते हैं। तो मुझे जैसे मैसेज आया कि एमसी स्टैन का ट्रैक लीक हो गया है, मैंने उसे क्लिक किया, मैंने 10 सेकंड सुना, मैंने उसके बाद बंद कर दिया और मैंने देखा कि पूरा गाना था वो लीक हो चुका था। पर क्या ये जानबूझ के किया गया था? बहुत ज्यादा चांसेस है कि एमसी स्टैन ने ये जानबूझ के किया था हाइप क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अगले दिन 11 बजे गाना ड्रॉप हो चुका था, 10 या 11 बजे गाना ड्रॉप हो चुका था और रात भर में गाने की हाइप अच्छी खासी बन गई, सुबह में हिप हॉप न्यूज चैनल वालों ने कवर किया और ये सारा डिस्कशन चल रहा था। सो दिस क्रिएटेड अ वेरी गुड हाइप, स्नेक डिड वेरी गुड इन नंबर। टॉकिंग अबाउट द थर्ड आर्टिस्ट जो है आरसीआर भी बहुत टाइम तक गायब थे, उनके गाने नहीं आ रहे थे और अचानक से वी गॉट द न्यूज आरसीआर इज मिसिंग। तो उस समय की बात है जब एमसी कोड भी मिसिंग थे और उनका तो भाई जेन्युइन रीजन था और वो जेन्युइन था, सो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। पर आरसीआर वेंट मिसिंग एंड दिस न्यूज वाज एवरीवेयर, मीडिया चैनल से लेके इंस्टाग्राम पेजेस तक इसको कवर कर रहे थे। मीडिया चैनल का मतलब हिप हॉप मीडिया चैनल से लेके इंस्टाग्राम पेज तक इसे कवर कर रहे थे कि आरसीआर का पता नहीं है, आरसीआर को ढूंढो, उनके फैमिली से बात नहीं हो रही है, मैनेजर से बात नहीं हो रही है। और कुछ दिन के बाद क्या हुआ, वी गॉट अ पोस्टर of his song Hip Hop Ka Don and RCR was back. So this may be the strategy which was played by RCR and his management team. Hum hype banayenge, RCR ko gaib kar denge, log uske bare mein discuss karenge and then we will drop a song and song will do good. And that song did good. Agar tum us song ko compare karoge recent RCR ke track se aur wo gana achhe number leke aaya. Before moving to the second conspiracy, main fir se bata deta hun. These are just theories, not a fact. Please trigger mat hona. Let's discuss the second conspiracy theory, which is big labels like T-Series, Sony Music India, Zee Music India are evil and they don't support Indian hip-hop scene. Here I will discuss about two rappers, one is Badshah and one is Raftaar. Raftaar was signed to Zee Music India, unhone label chhod diya hai, and Badshah was signed to Sony Music India. Raftaar ka album aaya tha Mr. Nair, usme bahut achhe achhe track the. Agar tum is album ke list mein deeply jaoge, to isme bahut achhe hip-hop tracks the, jaise Superman, Proud aur kuch aur bhi track the, jiske music video mein dekhne ko nahi mile. On the other hand, we got the music video of tracks like Dilli Wali Baatcheet and Naachne Ka Sauk Hai, Move, etc. तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि Zee Music ने बहुत सेफ खेला इसमें और सिर्फ वो ट्रैक ड्रॉप किए जो ट्रैक थोड़े कमर्शियल वाइब के थे और जो सिर्फ हिप हॉप के ऑडियंस नहीं सुन सकते हैं बल्कि मास ऑडियंस भी सुन सकती है और बाकी ऑडियंस भी सुन सकते हैं। ये बात सिर्फ Zee Music के साथ नहीं है, बादशाह का एक एल्बम आया था द पावर ऑफ अ ड्रीम ऑफ अ किड,
बहुत सही एल्बम था, अंडरग्राउंड एल्बम, उसमें बहुत कुछ अच्छे गाने थे। और देखा जाए तो बादशाह का पहला अंडरग्राउंड एल्बम था, और ये एल्बम बादशाह को अपने चैनल पर रिलीज करना पड़ा। उस समय बादशाह सोनी म्यूजिक से साइंड थे। इसका रीजन क्या हो सकता है, सोनी म्यूजिक ने क्यों ये एल्बम रिलीज नहीं किया अपने चैनल से? मे बी दे थिंक दीज अंडरग्राउंड ट्रैक्स कैन नॉट गेट द नंबर। और एक रीजन हो सकता है, दे डोंट सपोर्ट हिप हॉप। तो नहीं, और चीज नोटिस करोगे, बादशाह जितने भी अंडरग्राउंड गाने बनाते हैं, जैसे उनके 3 mm सेशंस हो गए या फिर कुछ अंडरग्राउंड ट्रैक हो गए जो बादशाह रात को डाला करते हैं, अभी उनका एक ईपी भी आया था रिसेंटली, वो भी बादशाह ने अपने चैनल से रिलीज किया। क्यों? बिकॉज दोज वेयर प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक, और वो सोनी म्यूजिक, इंडिया जी म्यूजिक या फिर टी सीरीज कभी अपने चैनल से रिलीज नहीं करेंगे। और अगर हम पुराने ट्रैक्स भी देखें जो जी म्यूजिक, सोनी म्यूजिक या फिर टी सीरीज से रिलीज हुई है, प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक अगर हम देखें, तो कृष्णा के भी कुछ ट्रैक जी म्यूजिक से रिलीज हुए हैं, पर उस ट्रैक में व्यूज बिल्कुल नहीं, ऐसा लग रहा है कि जी म्यूजिक ने उसे अपलोड करके छोड़ दिया भगवान भरोसे। और अगर हम कुछ और आर्टिस्ट के ट्रैक देखें, जैसे कि वाइड हो गया, उसका गाना गाइस फ्रॉम द हिल था, उसमें भी 500,000 व्यूज नहीं है, और वो गाना जी म्यूजिक कंपनी से आया जिसमें मिलियन सब्सक्राइबर है। पैरी जी का एक ट्रैक है जी म्यूजिक कंपनी से, उसमें भी 163K व्यूज है। भाई तुम मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल हो और तुम्हारे गाने में सिर्फ लाख में व्यूज है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पॉप गाने होते हैं, जो गाने कमर्शियल होते हैं, उसे जी म्यूजिक, सोनी म्यूजिक और टी सीरीज एड्स लगा के प्रमोट करती है, और हिप हॉप ट्रैक्स को वो प्रमोट नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि हिप हॉप ट्रैक विल नॉट मेक दैट बिग हाइप। और शायद उन्होंने डिवाइन का 359 AM सॉन्ग नहीं सुना है। So what may be the reason why these big labels are not supporting hip-hop? Ya phir support kar rahe hain to they are not giving their 100%. They are afraid ki hip-hop genre Bollywood music ko piche na chhod de. And they don't want to feed more hip-hop to the audience. Before moving to third conspiracy, second and third conspiracy is connected. So agar tum third conspiracy samjhoge, to tumhe second conspiracy theory aur acche se samajh aayega. The third conspiracy theory is, in coming years, hip-hop genre may become the biggest music genre in the world and in India as well. If you see the graph ki 1900 se leke 2020 tak kaun sa music genre number 1 pe raha hai, to hum ek cheez notice karenge ki koi bhi music genre agar hum dekhe to 1910 pe opera number 1 pe tha, lekin 30 saal ke baad 1932 mein country number 1 pe aa gaya. Uske baad agar hum fir 30 saal aage jaye to rock and roll aa gaya number 1 pe, agar hum aur 30 saal aage jaye to house ya fir pop music aa gaya, और अगर हम और 30 साल आगे जाए तो अभी पॉप म्यूजिक नंबर 1 पे चल रहा है, एंड हिप हॉप इज सेकंड बिगेस्ट जॉनरा इन द वर्ल्ड। अगर हम ये सेम थ्योरी को अप्लाई करें इंडियन सीन में इंडियन म्यूजिक के साथ, तो हम हमेशा बचपन से बॉलीवुड म्यूजिक सुनते आ रहे हैं, बॉलीवुड म्यूजिक ही इंडिया में सुना जाता है, पर 21st सेंचुरी में 2001-2 के बाद रॉक म्यूजिक इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, रॉक म्यूजिक बहुत अच्छा कर रहा था इंडिया में। उसके बाद बहुत डिफरेंट और भी अलग अलग जॉनरा के म्यूजिक आए, R&B आया एंड पंक आया और बहुत सारे म्यूजिक जॉनरा आए। जैसे ये वर्ल्ड पे आएगा। अगर हम देखें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है वर्ल्ड सीन में, जिस हिसाब से म्यूजिक का इवोल्यूशन हुआ है, सेम चीज इंडिया में भी हो रहा है, पर इंडिया में थोड़ा लेट हो रहा है। तो जैसे बाहर हिप हॉप म्यूजिक अभी नंबर 2 पे है और वो नंबर 1 पे आ सकता है, इंडिया में भी पॉप म्यूजिक बॉलीवुड को पीछे छोड़ देगा और नंबर 1 पे आ जाएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। और मैंने बोला था ना, सेकंड थ्योरी और थर्ड थ्योरी आपस में कनेक्टेड है। टी सीरीज और बड़ी म्यूजिक लेबल इस चीज को देख सकते हैं, इस विजन को देख सकते हैं कि हिप हॉप म्यूजिक हैज अ बिग फ्यूचर, और मे बी इसलिए वो हिप हॉप को सपोर्ट नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि बॉलीवुड म्यूजिक ही इंडिया में नंबर 1 पे रहे। अगेन आई वांट टू रिपीट इट, दिस इज जस्ट अ थ्योरी नॉट अ फैक्ट। कमिंग टू द नंबर 4th थ्योरी, अगर तुमने हिप हॉप का नाम सुना हो, यामा बुद्धा, यूनिक पोएट, V10, लिल बुद्धा, तो दे आर द रैपर फ्रॉम नेपाल, और नेपाल का जो हिप हॉप सीन है उसको हम हिप हॉप बोलते हैं, जैसे हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को हम देसी हिप हॉप बोलते हैं, तो नेपाल हैज देयर ओन सीन एंड इट इज कॉल्ड हिप हॉप। और अगर तुम्हें मैं बताऊं कि नेपाल का जो सीन है, नेपाल का जो हिप हॉप है, वो इंडिया से बहुत पुराना है। लाइक 2013 में नेपाल में रैप साइफर्स हुआ करते थे, रैप बैटल हुआ करते थे, और उस बैटल पे करोड़ों व्यूज थे। मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, जब इंडिया में हनी सिंह और बादशाह के रैप को ही हम रैप समझते थे, प्रॉपर रियल रॉ हिप हॉप इंडिया में आया नहीं था। उस समय नेपाल में रैप बैटल हुआ करते थे, रैप साइफर हुआ करते थे, प्रॉपर रैप कॉन्सर्ट होते थे। टॉकिंग अबाउट करेंट टाइम, इंडिया में भी बहुत अच्छा सीन चल रहा है, बहुत ज्यादा वर्सेटाइल रैप, बहुत सही काम हो रहा है। मगर अगर हम कंपेयर करें इंडियन हिप हॉप
और नेपाली हिप हॉप को, भाई नेपाल के आर्टिस्ट क्या क्रेजी है, क्या क्रेजी है। मंबल अभी एमसी स्टैन इंडिया में लेके आ रहा है, मंबल पहले से आ चुका है नेपाल में। जितने भी वर्सेटाइल आर्टिस्ट एल्बम के साथ, कॉन्सेप्ट एल्बम के साथ आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट एल्बम आ चुका है पहले हिप हॉप में या फिर नेपाल म्यूजिक में। मैं तुमको रिकमेंड करूंगा यूनिक पोएट का एल्बम आया है कालो, वो तुम चेक करो, दैट हैज गॉट अ वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट साउंड। जामा बुद्धा का एल्बम चेक करो, द लेजेंडरी आर्टिस्ट रेस्ट इन पीस, उनका एल्बम चेक करो, यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन देयर म्यूजिक एंड आवर म्यूजिक। और तुम सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता है, तो मैंने जब अपना ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सारे हिप हॉप के ट्रैक्स कवर किए थे, बहुत सारे हिप हॉप के सॉन्ग कवर किए थे और नेपाली हिप हॉप को अच्छे से समझा था। एंड आई रियलाइज हिप हॉप इज फार अहेड ऑफ इंडियन हिप हॉप। और अभी भी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको हिप हॉप के बारे में पता ही नहीं है, जिनको हिप हॉप के सीन के बारे में पता नहीं है। आई रिकमेंड यू गो एंड चेक हिप हॉप ट्रैक्स, that will blow your mind. So these were some conspiracy theories which I discussed today. और अगेन मैं फिर से बोल दूं, these are just theories, not fact. अगर तुम्हें ये conspiracy theory का episode अच्छा लगा हो, do let me know in the comment. भाई तुम्हारा कुछ अलग काम कर रहा है, भाई ये काम को support करो, channel को subscribe करो, और तुम्हारे भाई को कुछ नहीं चाहिए in return. अगर तुम्हें इसका अगला part भी चाहिए, do let me know in the comment. Thanks for watching the video and thanks again.